पवित्र महीना सावन के अवसर पर बराकर ओल्ड जीटी रोड स्थित डायमंड मैदान में दूसरी बार बनारस गंगा आरती की तर्ज पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। मैथन टीएमटी, मैथन एलियन और हिंदुस्तान के संयुक्त प्रयास एवं स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं का अहम योगदान रहा। गंगा आरती में मुख्य आकर्षण का केंद्र उज्जैन ग्रुप लक्की द्वारा महाकाल झांकी रही, जिसे देखने के लिए पूरा कुल्टी बराकर क्षेत्र बाबा भोले भंडारी के नाम से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी के आकर्षक झांकी शोभायमान रही। वहीं महाआरती स्थल पर भजनों के रंगारंग कार्यक्रम में अयोध्या उत्तर प्रदेश से आए मोहन शास्त्री, हरजीत सिंह, हरे टाटा ने बाबा भोले के भजनों से भक्तों को झूमने एवं नाचने पर मजबूर कर दिया। बम भोले बम के भजनों से मंत्रमुग्ध किया। वहीं स्थानीय संगीतकार मुंबई से आए विख्यात गिटारिस्ट अजय सिंघानिया ने समा बांधा। कार्यक्रम को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना से बराकर सक्तोरिया, न्यामापुर एवं सिविल पुलिस बड़ी संख्या में तैनात रही। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अजय पोद्दार, मैथन टीएमटी के विनोद अग्रवाल, सुबोध अग्रवाल, शंकर शर्मा, श्री राम सिंह, अर्जुन अग्रवाल, किरीट झाला, बाबू कौर सहित बड़ी संख्या में सदस्य का अहम योगदान रहा। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर सोमवार को नगर निगम संचालित हिंदी अकादमी द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। इससे पहले अकादमी की ओर से मेयर परिषद सदस्य से उपाध्यक्ष दिवेंदु भगत, सचिव भोला पासवान, हावड़ा हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दामोदर मिश्र, डॉक्टर विजेंद्र कुमार, डॉक्टर आरपी शर्मा, पवन गुटगुटिया, तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के महेश भगत, डॉक्टर डीपी बर्णवाल, पार्षद फंसबी आलिया समेत बड़ी संख्या में लोगों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद आलोचना सभागार में मुंशी प्रेमचंद व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान में वक्ताओं ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं आज भी समाज को प्रेरणा देती है। उन्होंने अपनी रचनाओं से समाज के शोषित वंचित लोगों की आवाज़ उठाई। हम लोग भी समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, इसमें उनकी रचनाएं हमें प्रेरित करती हैं। आज आप लोग जानते हैं ये हिंदी के कवि और सम्राट, साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद का 143वां जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हिंदी अकादमी के ओर से आज आलोचना सभागृह में एक अनुष्ठान के आयोजन किया गया है और हर साल के मुताबिक ये कार्यक्रम हो रहा है। सुबह से आज माल्यार्पण से शुरू करके आसनसोल कॉरपोरेशन की तरफ से भी हुआ, चाहे हिंदी अकादमी की तरफ से हुआ और कवि को श्रद्धा जनाते हुए हम लोग आज ये अनुष्ठान सूची कर रहे हैं। जानते हैं ये हिंदी का सम्राट जब उत्तर प्रदेश की बनारस में लमिया गांव में जब जन्म ग्रहण किए थे तो पूरे देशवासी को मालूम नहीं था जो इस व्यक्ति को सारा देश जानेगा और इसलिए जाने जो आज वर्ण वैषम्य, सामाजिक रीति को चेंज करना और धनी और दरिद्र में जो भेदाभेद को, दुखित भेदाभेद को लोगों के सामने उपस्थापना करना, इसीलिए आज प्रेमचंद आज सभी बच्चों के पास, सभी लोगों के पास बहुत प्रिय साहित्यिक थे। उनके लिखे हुए सारे किताबों आज 300 से ज़्यादा किताबें आज उनकी है और सारे कोई आज उनकी जो आज उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध जिसने इतना कठोर परिश्रम करके लड़ाई किए थे और जो प्रतिवादी एक व्यक्ति तभी अपना साहित्य के माध्यम से उस दिन देशवासी को जागृत किया और उस लड़ाई परंपरा चलता ही रहा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद उत्खात हुआ, आज देश में सभी वर्ण धर्म सभी व्यक्ति को हम आह्वान करेंगे, सभी आके इस कवि को शरण करें हम लोग और उनके आदर्श की रास्ता में हम लोग आगामी दिन चल सके, यही आवेदन पूरे देशवासी के प्रति है, शिल्पांचल के प्रति है।